नमस्कार दोस्तों, सीरीज 105 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बने रहेगा नई नई अपडेट्स के लिए, कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम एक जानकारी देने आया हूँ, काफी पॉपुलर है कि रीट लेवल वन से रिलेटेड है। रीट लेवल वन में जो एक याचिका लगी हुई है, जिसकी सिंगल बेंच में सुनवाई भी हो चुकी है, 14 पर्सन है उन पर विवादित है, उन पर याचिका लगी हुई है। 13 दिसंबर को उसकी अगली हायरिंग है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के मन में कि बोन्स किसको मिलेंगे। जो बोन्स है वो याचिकाकर्ता मिले को उसी को मिलेगा या सबको मिलेंगे, और क्या याचिकाकर्ता बनना जरूरी है, संशोधित परिणाम कब तक आ सकता है, तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये एक न्यूज है जो आप देख सकते हैं। रीट लेवल वन परीक्षा के 14 जो विवादित प्रश्न उत्तर है उसके मामले में कल राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एडवोकेट को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को तय की गई। नेक्स्ट डेट 13 सितंबर जारी की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर के जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की सिंगल बेंच में जितेंद्र कुमार मीणा और अन्य 5 कैंडिडेट्स की याचिका पर यह सुनवाई हुई। आदेश पर बोर्ड के एडवोकेट विज्ञान सहाय को याचिका की कॉपी सौंपी गई है। प्रथम लेवल के 5 कैंडिडेट्स ने याचिका लगाई थी, जिसमें सही उत्तरों के लिए ये याचिका लगी है। 14 विवादित प्रश्न है उसके लिए, जो विवादित प्रश्न है वो इसी में लिखे भी गए, 11 नंबर 14 नंबर इस प्रकार से, कुछ 145 तक 14 प्रश्न है। तो जितने भी बोर्ड इनका क्या रिप्लाई करता है, 13 तारीख को क्या मामला निकल कर बाहर आता है। लेकिन इसमें एक बात क्लियर रखिएगा कि बोन्स अगर मिलेंगे, चाहे 1 पर्सन का मिले चाहे 14 के 14 मिले, सभी को मिलेंगे, इक्वल इक्वल मिलेंगे। फर्स्ट लेवल के सभी को मिलेंगे जिनके बन रहे हैं, करेक्ट। और ये कोई जरूरी नहीं कि आप याचिकाकर्ता ही बनो तभी आपको इसको फायदा होगा। संशोधित परिणाम भी हायरिंग कंप्लीट होते ही अगर ये मामला निपट जाता है तो जल्द आने के पूरे पूरे चांसेस है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहेगा नई नई अपडेट्स के लिए।